आप पंकज सिंह राजपूत एक नंबर कुत्ता है, अगर भेटा गया ना तो चप्पल उतार के मारेंगे ऐसे कलाकार को, ऐसा गायक को नचाएंगे उसको, हम देखिएगा मार मार के नचाएंगे। और क्या गाते हो खेसारी की बेटी पर, थोड़ा अपना बहन बेटी पे गा के दिखाओ, चौराहे पे मारेंगे तुमको हम, अब मिल जाएंगे ना, ऐसा तुमको गति करेंगे कि शायद तुम कलाकार ये गाना गाना भूल जाओगे, समझे। हमको लग रहा है ना कि तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है, तुम बिना बहन बेटी के तुम्हारा खानदान लग रहा है। जन्म दी है ना पंकज सिंह राजपूत को, वो माँ भी कोचती होगी अपने आप को कि हम कैसा बेटा जन्म दी है। और क्या बोला था लाइफ में, हम सुने हैं तुम्हारा लाइफ की, तुम्हारी माँ बोलती कि हम शेर पैदा लिए हैं, शेर नहीं कुत्ता पैदा लिए हो तुम, समझे। शेर नहीं लिए हो, एक नंबर कुत्ता तुम पैदा लिए, कुत्ता तुमको करना है, तुमको कुत्ता खानी गाना है, हमारे ऊपर गाना है तो तुम गाओ, हम भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदू धर्म से हम जाति धर्म नहीं मानते हैं, ऐसे कलाकार को हम कुछ नहीं मानते। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीजीएन एक सच। आज मैं एक रील्स स्टार प्रीति के पास मौजूद हूं, और जितना भी आज देख रहे हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हंगामा मचा हुआ है, खेसारी लाल यादव के की जो बेटी है कृति, और कृति के ऊपर पंकज सिंह ने जो गाना गाया हुआ है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किसी की भी बेटी के ऊपर या कि कोई भी स्टार जो गाना आजकल गा रहे हैं, अंजलि के ऊपर, सपना के ऊपर, कृति के ऊपर, या नाम रख के कोई भी गाना कोई गा रहा है, कोई भी स्टार, ये बंद होना चाहिए। जैसे खेसारी लाल जी को बुरा लगा हुआ है, वैसे ही हर एक उस बाप को, हर एक उस माँ को बुरा लगेगा जिसके बेटी का नाम रख के कोई गाना गाए। ये बुरा लगना भी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि नाम रख के भी लोग गाना गाते हैं, एक बजाते हुए ऑर्केस्ट्रा में अगर किसी गाँव में चले गए और उस गाँव में उस नाम की लड़की हो तो मार जरूर होता है, झगड़ा जरूर होता है, इसलिए कि उस गांव में उस नाम की लड़की है और उसी नाम से अगर गाना चलेगा तो बुरा किसी को भी लगेगा। क्या जी, सबसे पहले प्रीति जी स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम जी भी, हम दर्शक बात सबके गोर से गोर लगाता नहीं। जो मतलब आपका क्या विचार है, आप जो अभी खेसारी लाल की बेटी के ऊपर जो गाना चल रहा है कृति के ऊपर, क्या आपका विचार क्या है, आप क्यों मीडिया वाले को बुलाई है अपने पास? देखिए, सबसे पहले जो बात है ना कि अगर हम बनी, हमारे पापा बड़ा, अगर हमारा पे क्यों गाना गाती तो हमारे पापा की कितना दुख लगी। वैसे खेसारी जी बनी, अगर क्यों उनका बेटी पे गाना गाती, एक पर साल गाना गले लोग खेसारी की बेटी सपनवा में आती है, अभी के हाल ही में गाना जी एल भाई, इतना गंदा गाना एल बटे, कोना सोच के गाना गले बनी, मतलब कि इंडस्ट्री के काहे बदनाम करे मिलाल बनी लोग, एक बाप के रोआ रोआ के का मिली रोआ। हाँ, पंकज सिंह राजपूत रोल जाति विदा करे नहीं लोग, क्योंकि बेटी पे गाना गा ले लोग, सोच नहीं लो कि क्या करता नहीं। तो जात पात गायक में ना होके के चाहिए जी, बिल्कुल ना होके के चाहिए। हम तो कह नहीं कोनो कलाकार के अंदर ना होके के चाहिए, क्योंकि कलाकार एक हिंदू सबते हो चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, क्यों हो, एक मिलजुल के काम करे के चाहिए, मिलजुल के रह के चाहिए, एकदम भाईचारा उनके। तो ये जगह लोग के बात बाबे कि केहू कॉमेडियन आ गल, चाहे कोनो सिंगर आ गल, केहू कुछ आ गल, फलानवा के बेटी, फलानवा के जात, फलानवा के जात, जात के काहे के लिए होता नहीं। मैंने लो अब ठीका ले लेता, मैंने ब्यासो लो बा सिंगर लो बा, वो ठीका ले लेता अपना अपना, जैसे जी जावना जात के सिंगर बा वो जात के लो ठीका ले लेता ना जी, बिल्कुल हमरा ये लागता। जहाँ ले बात रहल पंकज सिंह राजपूत के, हम लाइफ आके रोक बोलले बनी कि केहू के बेटी ऊपर गाना ना गावे, खास कर वो काहे के टारगेट करता नहीं, खेसारी जी के बेटी के ऊपर में काहे के टारगेट करता नहीं। मान लीजिए हम किसी के ऊपर गाएंगे, कोई 10 लोग हमको गाली देगा, कोई आपको तारीफ नहीं करेगा, जो जैसे कीजिएगा ना वैसे आपको गाली मिलेगा ना। इसमें दो तरफ इंडस्ट्री जो है दो धड़ में बट गई है, जो यादव लोग हैं वो खेसारी जी के सपोर्ट कर रहे हैं, जो राजपूत लोग हैं उनमें भी कुछ लोग पवन सिंह को पंकज सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बट गए हैं। तो क्या ये राजनीति हो रहा है कि इंटरटेनमेंट है ना जी, वो तो इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं सब लोग, तो इंटरटेनमेंट में किसी बेटी बहन को लाना ये तो सही नहीं है, और उसमें भी जातीयता घुसेड़ना। पहल का बात ये बानू कि कलाकार के को काम होके ला लोग के हंसावे खाती, ठीक बा, तो कलाकारी ऐसा करी कि लोग के हंसाई, कलाकारी ऐसा मत करके केहू को रोवाई, केहू के अपसेट करी, ठीक बा। हमारा लिए जहाँ लगता कि जे ऐसा का सिंगर आए बनू, इनके लोग ना होके के चाहिए सिंगर, ये लोग सिंगर के नाम पर खिलवाड़ करता लोग, बुझाइल। और जहाँ तक पंकज सिंह राजपूत के बात करूँ, एक बना दो बेर गाना गले बानी, ये सबसे गलत बात बैठे। अगर वह चाहे ना तो हमारे ऊपर गाना निकाल के दिखा दी, तब रोक बताओ तो कि एगो बेटी का दर्जा का होला, अब बेटी जवाब दी रहो के
मतलब पंकज सिंह को ये बोल रही हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो इनके ऊपर आप गाना गा के दिखा दीजिए, यही बात बोल रही हैं ना? जी बिल्कुल, खेसारी जी जो स्ट्रगल किए हैं ना, लिट्टी चोखा बेच के स्ट्रगल किए हैं, शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो करेगा। अब पंकज सिंह राजपूत एक नंबर कुत्ता है, अगर भेटा गया ना तो चप्पल उतार के मारेंगे ऐसे कलाकार को, ऐसा गायक को, नचाएंगे उसको हम, देखिएगा मार मार के नचाएंगे। और क्या गाते हो खेसारी की बेटी पर, थोड़ा अपना बहन बेटी पे गा के दिखाओ ना, गा के दिखाओ, हिम्मत है तो आए हो खेसारी की बेटी पे गाना गाने, हम पे गाओ, हिम्मत है तो तब दिखाते कि एक बेटी कैसे तुमको आवाज़ उठाएगी, कैसे मारेगी, बीच चौराह पे मारेंगे तुमको हम, अब मिल जाएंगे ना, ऐसा तुमको गति करेंगे कि शायद तुम कलाकारी गाना गाना भूल जाओगे, समझे? हमको लग रहा है ना कि तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है, तुम बिना बहन बेटी के तुम्हारा खानदान लग रहा है हमको, हाँ एकदम कुत्ता नहीं है तुम, एकदम लग रहा है कुत्ता हो तुम, एक नंबर का बेटा आ जाओ तुम मेरे सामने, ठीक है ना, एकदम ये गाना गाते हो वो गाना गाते हो, इतने गंदा गाना गाने से पहले सोचो ना क्या गा रहे हैं, मुंह मारते फिरते हो गाना गा कर, हाँ लग नहीं रहा है कि तुम्हारे घर में बेटी बहन है, तुम एक नंबर घटिया इंसान हो। जो चीज आप बोल रहे हैं वो माँ उसको जन्म दी है ना पंकज सिंह राजपूत को, वो माँ भी कोचती होगी अपने आप को कि हम कैसा बेटा जन्म दी है, और क्या बोला था लाइफ में, हम सुने हैं तुम्हारा लाइफ की, तुम्हारी माँ बोलती है कि हम शेर पैदा लिए हैं, शेर नहीं कुत्ता पैदा लिए हो तुम, समझे? शेर नहीं लिए हो, एक नंबर कुत्ता तुम पैदा लिए हो। अच्छा अभी जो आप बोल रही हैं इतना पंकज सिंह को, आप अगर पंकज सिंह अगर ये वीडियो देखें तो क्या आपके ऊपर वो गाना गा देंगे या आपके ऊपर कुछ कर दें, तो फिर क्या करेंगे आप? करिए, हम तो बोल रहे करिए ना, अगर करना है कुत्ता तुमको करना है, तुमको कुत्ता खानी गाना है, हमारे ऊपर गाना है तो तुम गाओ, हम भी देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि एक हिंदू धर्म से हम जाति धर्म नहीं मानते हैं, ऐसे कलाकार को हम कुछ नहीं मानते, खाक नहीं मानते हैं, एकदम कलाकार के नाम पर ना एक नंबर का घटिया इंसान हो तुम, कलंक हो इंडस्ट्री में। मतलब ये लोग जो आप जो ये कर रही हैं इससे तो और ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगा, इसको ख़त्म करना है कि इसको और आगे बढ़ाना है? ख़त्म करे वाला आदमी ना गावेला, इतना जान ली, ख़त्म करे वाला अगर चाहे कि हाँ ये सब ना हो कौन हो तो वो ना गाए, और ये चाहता कि विवाद बढ़ो तो बढ़ ही, विवाद के चाहता ना पंकज सिंह राजपूत कि विवाद हो। अच्छा भोजपुरी में खाली विवादें हुई कि पर लगामो लगे, लगाम लगाए खातिर छोट कलाकार से तो नहीं सूझबूझ हो के चाहिए ना, दिमाग होना चाहिए ना। तो छोट कलाकार कैसे होगा, ये विवादों में आकर ही तो बड़ा होता है वो, तो हर चीज़ का विवाद। अगर आपको मिलन क्रॉस करा रहे हैं तो किसी को बेटी बहन पे गा दीजिएगा, मिलन क्रॉस करा रहे हैं तो किसी का जात पे गा दीजिएगा, हाँ राजपूत बुझार हैं, यादव हैं, ये जात है, ये फलाना जात है, हम भी तो कुहार हैं, हम कभी एटीट्यूड नहीं दिखाते कि हम प्रजापति कुहार हैं, हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है? हम भी ऊंचा लेवल पे गिनती होते हैं, पर हम नहीं करते हैं आपके जैसा, कुत्ता के जैसा हम नहीं करते हैं, हम एक इंसान है और एक हिंदू धर्म मानते हैं, जातिवाद और किसी का बेटी बहन पे नहीं जाते हैं जी। बिल्कुल जाति धर्म बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारा जो भोजपुरी है ना बहुत अच्छा भाषा है, हम लोग हमेशा बोलते हैं इसको, हम बिहार के रहने वाले हैं, सारे बिहारी जो है भोजपुरी ही बोलते हैं, और इसमें जातीयता को जो हमारे जो भी सिंगर हैं या आप लोग जो है इसको इस मैटर को ही ख़त्म कीजिए आप लोग, और आप मिलजुल के आप लोग, चूँकि आप लोग का काम है इंटरटेन करना, लोग आपका गाना सुनते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसमें आप लोग जो ये झगड़ा झंझट कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है, क्या प्रीति जी? एकदम हम यही चाहेंगे ना, एक कलाकार ये दिखाए, ठीक है? किसी का बहन बेटी पे मनाया जाए, अगर बहन बेटी पे किसी का भी बहन बेटी चाहे खेसारी जी का हो जाए, किसी का भी हो जाए, किसी का भी हो, कोई स्पेशल किसी एक को नहीं बोला जा रहा, किसी की भी बहन बेटी, बहन बेटी, एक सेकंड अगर किसी का भी बहन बेटी पे हम सुन लिए गाना ना, उस कलाकार का उस सिंगर का जूता उठा कर मारेंगे, कोई भी कलाकार हो, कोई भी सिंगर हो, हम सिंगर कलाकार से नहीं डरते, खुद हम एक कलाकार हैं, ठीक है? हम बिल्कुल नहीं डरने वाले, अगर तुम किसी का बहन बेटी पे किसी भी जात पे गाने निकाल दिए ना, बहुत खराब होगा, इतना याद रख लेना, चैलेंज दे रहे हैं तुमको हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल शुक्रिया।